मित्रों आज जानेंगे पाई नेटवर्क का फॉर्मूला यानी टोटल माइनिंग रेट कैसे बनता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है ताकि आप ज्यादा फायदा ले सकें। इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहिए। मेटामित्रा चैनल में आपका स्वागत है। याद रखें, पाई का विजन एक ग्लोबल पीयर टू पीयर मार्केट प्लेस है, यानी दुनिया में पाई के बदले में किसी से कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विस सीधा ले सकेंगे। इसका मूल्य उतना छोटा नहीं होगा जितना आप सोचते हैं, इसलिए आपका समय सोने जैसा है। इसे समझें, संजोएं और समय पर पाई नेटवर्क ऐप में लाइटनिंग बटन प्रेस करके पाई की माइनिंग चालू रखें। यहाँ बात करते हैं पाई नेटवर्क मोबाइल ऐप में दिखने वाले इस फॉर्मूले के बारे में। पहले इस घड़ी को देखें जो दिखाती है कि आपको कितने समय बाद फिर से वो ग्रीन कलर का लाइटनिंग बटन प्रेस करना है और माइनिंग स्टार्ट करनी है। हर 24 घंटे के बाद आप इसे प्रेस कर सकते हैं। अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, जब भी याद आए आप इसे प्रेस कर सकते हैं, माइनिंग चालू हो जाएगी। अब इसके नीचे टोटल माइनिंग रेट देखने को मिलता है जो दिखाता है कि एक घंटे में आपके मोबाइल में कितने पाई जनरेट होंगे, बनेंगे या माइनिंग होगा। ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। अब इसको कैसे बढ़ाना है ताकि आप ज़्यादा फायदा ले सकें ये देखते हैं। ये फॉर्मूला तीन चीज़ों से बनता है, बेस रेट, बूस्टर और रिवॉर्ड्स। ये तीन स्क्वायर देखते हैं, उनके गुणाकार से ये रेट कैलकुलेट होता है। अब इनमें से पहला स्क्वायर देखते हैं, बेस रेट। दुनिया में जैसे जैसे लोग इसमें जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे ये रेट कम होता जाएगा। पाई के डेसिमल पॉइंट पहले 3 थे, फिर 4 हुए और अभी 5 डेसिमल है, और भविष्य में ये 6, 7 और 8 हो सकते हैं, यानी पाई बनने की स्पीड कम होती जाएगी। पाई नेटवर्क में बेस रेट का कैलकुलेशन इसमें कितने पायोनियर्स अभी माइनिंग कर रहे हैं और कितने पाई अभी बाकी हैं इसके हिसाब से होता है। इसकी वेबसाइट पर वाइट पेपर में ये साफ साफ लिखा है कि पाई नेटवर्क में पहले 100 मिलियन लोगों के लिए फिक्स सप्लाई है, यानी 10 करोड़ लोग जो सबसे पहले जुड़ेंगे वो ज़्यादा पाई की माइनिंग कर सकेंगे। इसके बाद माइनिंग बंद ही हो सकती है या फिर पाई के टुकड़े होना शुरू होगा। इसे हालविंग कहा जाता है। एक पाई के 10 हिस्से हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ना सबसे ज़रूरी है। फिलीपींस, चाइना, वियतनाम और कोरिया में इसका प्रचार जोरों से चल रहा है, और हमें भी अपने देश में इसके बारे में लोगों को कम से कम जानकारी तो देनी ही चाहिए। अगर आपको बताने में शर्म आती है तो इस मेटामित्र चैनल के वीडियो शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल माइनिंग रेट में ये बूस्टर वाला पार्ट कैसे वर्क करता है। इनमें तीन चीज़ों के परसेंटेज ऐड होते हैं, पायोनियर, सिक्योरिटी सर्कल और लॉकअप रिवॉर्ड। जिन लोगों ने 3 दिन तक माइनिंग की है वो लोग पायोनियर कहलाते हैं, और उन सब में ये 100% ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर जिन लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से 5 लोगों को कनेक्ट करके सिक्योरिटी सर्कल में जोड़ा है, यानी कि सिक्योरिटी सर्कल को स्ट्रॉन्ग किया है, उन सब में ये 100% कम्प्लीट होगा। जो लोग पहले से पाई की माइनिंग कर रहे हैं उनका नंबर यदि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होगा तो पाई की ऐप में इनके आगे ग्रीन कलर का पाई का आइकन दिखाएगा, तो वो कॉन्टैक्ट को अपने सिक्योरिटी सर्कल में जोड़ सकते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को जोड़ें जिन्हें आप जानते हैं। बूस्टर सेक्शन के इस इंक्रीज बटन पर क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल देखने के लिए ये कन्फिगर बटन आएगा। इस पर क्लिक करके ये लॉकअप सेटिंग में जा सकते हैं। इसमें लॉकअप परसेंटेज घटा बढ़ा सकते हैं, जिसके हिसाब से नीचे परसेंटेज घटेगा या बढ़ेगा ये देखिए। उसी तरह लॉकअप ड्यूरेशन यानी समय भी घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको ये तय करना है कि कितने पाई आप फिक्स डिपॉजिट में कितने समय तक रखना चाहते हैं, ताकि जब मेन नेट में आपके पाई ट्रांसफ़र होंगे तो आप लॉक किए हुए पाई का उपयोग उतने समय तक नहीं कर पाएंगे जितना ड्यूरेशन आपने सेट किया है। अब देखते हैं रिजल्टिंग माइनिंग बूस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होता है। यहाँ पहला लॉकअप परसेंटेज है, दूसरा लॉकअप ड्यूरेशन के हिसाब से यह परसेंटेज ले लेता है, यानी 2 सप्ताह का 10%, 6 महीने का 50%, 1 साल का 100% और 3 साल का 200%। ये लॉग ये दिखाता है कि कितने दिन आपने लाइटिंग बटन प्रेस करके माइनिंग किया है। जितना माइनिंग करेंगे ये बढ़ता ही जाएगा। अब इन सबका मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्ट आता है वो बूस्टर वाले सेक्शन में लॉकअप रिवॉर्ड के रूप में आता है। अब बूस्टर में ये सभी को जोड़कर इसका बूस्टर्स परसेंटेज बनता है। तो ज़्यादा फायदा उठाने के लिए अपने सिक्योरिटी सर्कल में 5 लोगों को जोड़ना होगा और लॉकअप रेट ज़्यादा सेट करना होगा। अब तीसरा रिवॉर्ड्स वाला सेक्शन देखते हैं। इसमें भी पायोनियर बनने का एक पॉइंट है, इसके अलावा रेफरल टीम के पॉइंट्स भी हैं। आपके इनविटेशन कोड से जुड़ने वाले व्यक्तियों में से जितने लोग एक्टिव हैं, यानी जिसके मोबाइल में अभी माइनिंग चालू है, उतने लोगों से ये पॉइंट बनते हैं। मान लो अगर आपके एक्टिवेशन कोड से 20 लोग जुड़े हैं पर अभी सिर्फ 13 लोग ही एक्टिव हैं, यानी 13 लोगों का माइनिंग चालू है, तो 13 × 0.25 के हिसाब से ये 3.25 होते हैं। अगर 10 लोगों का माइनिंग चालू है तो 2.5 पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी यूसेज बोनस, यानी पाई ऐप के इस मेनू में पाई यूटिलिटी पर क्लिक करके ब्रेनस्टॉर्म पर क्लिक करेंगे
और नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आएगी। इसमें पाई के बदले में भविष्य में दी जाने वाली प्रोडक्ट और सर्विस की कुछ वेबसाइट्स हैं, जिसमें कैंडी क्रश जैसी एक गेम भी है। वो खेलेंगे तो आपको यहाँ यूटिलिटी पॉइंट्स मिलेंगे। लास्ट है नोट बोनस के पॉइंट। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना जरूरी है। जिन लोगों के पास कंप्यूटर है वो लोग इस पाई एप्लीकेशन को कंप्यूटर में डाउनलोड करके नोट का सेटअप कर सकते हैं। नोट को चालू रखने पर इसके पॉइंट मिलते हैं। अब रिवॉर्ड सेक्शन में ये सभी को जोड़कर इसके जो पॉइंट बनते हैं वो टोटल माइनिंग रेट के फॉर्मूले में गिने जाते हैं। यानी इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन करके जो रिजल्ट मिलता है उतने पाई एक घंटे में आपके मोबाइल में जनरेट होंगे। तो ये थी जानकारी पाई नेटवर्क में टोटल माइनिंग रेट के फॉर्मूले की, जिसमें सारी चीज़ों के कैलकुलेशन फिक्स हैं। इसका सबसे ज़्यादा फायदा लेना है तो आपको रेफरल्स बढ़ाने पड़ेंगे और अपने इनविटेशन कोड से लोगों को इस नेटवर्क में जोड़ना पड़ेगा। अगर आप समझा नहीं सकते तो मेटामित्र चैनल के वीडियो दिखाकर समझाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयत्न करें, ताकि भारत में भी लोग इसका फायदा ले सकें। दुनिया में इतने देशों में पाई नेटवर्क के नोड लग चुके हैं, पर इस लिस्ट में इंडिया का नाम तक नहीं है। इस बार भी हम पीछे ना रह जाएं, इसलिए नया नया सीखते रहें और मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र, मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।